आप अपनी बात रखें। हाँ जी, तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे को जो इंसेंटिव भी दे और जो हमारी कोर एक्टिविटी जो 1500 रुपये है वो कम से कम हमारे को 10000 रुपये दे, ताकि अगर किसी कारणवश हमारा जो इंसेंटिव है अगर हम वो नहीं बना पाते हैं तो एक महीने में कम से कम हम 10000 रुपये ले पाए। क्योंकि हमारे बीच में कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जो विडो हैं, जो अकेली रहती हैं, तो वो इसी में अपना गुजारा करती है। हम 9 साल से ये काम कर रहे हैं पर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। कहने को बार बार वो यही कहती है कि आशा जब से आई है उसने टीकाकरण भी कंप्लीट करवाया है, हमारी दिल्ली को पोलियो मुक्त भी करवाया है, हर जगह आशा का नाम आता है मगर उसी आशा को किसी नज़र से देखा ही नहीं जाता। हर तरफ एक गिल्लानी नज़र से देखा जाता है, उसको ऐसे किया जाता है, अगर हॉस्पिटल में जाती है तो भी उसके साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन करता है अभद्र व्यवहार? अभद्र व्यवहार स्टाफ करता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं, पहले तो कोई पेशेंट जाता है तो उसको कहते हैं अपनी आशा को साथ लेके आओ, मगर जब आशा साथ जाती है तो वो कहते हैं आप यहाँ क्या करने आए हो, आपको यहाँ किसने ये बुलाया, ऐसे ही मुंह उठा करके आ जाते हैं। ये कौन सा मतलब है? अगर आशा आपने रखा है, अगर किसी मरीज के साथ जा रही है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। हमने पहले भी कहा था कि आशाओं के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, उनके पेशेंट जो जाते हैं स्पेशल उनके लिए डॉक्टर होना चाहिए। अगर आप ऐसी सुविधा नहीं कर सकते तो आशा को हॉस्पिटल में ना बुलाया जाए, फिर पेशेंट अगर अकेला जाता तो उसको अकेला ही देखा जाए, उसमें आशा की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि हमें काम सरकार हमारे से जितना मांगेगी, सभी आशा बहनें हमारी एग्री है, जो सरकार काम के लिए बोलेगी वो काम करने के लिए तैयार है। आए दिन कोई सर्वे देते हैं, कोई कहते हैं कि ये काम कंप्लीट करो, कभी कहते वो काम कंप्लीट करो, काम आशाएं कोई मना नहीं करे कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो हर एक काम के लिए। पर अगर आपने हमारे को लालच दिया है तो उस लालच को हमारे को पूरा करो। लालच भी आपने ही दिया है, अगर आप सर्वे करोगे तो आपको इसने इतने पैसे मिलेंगे, अगर आप टीकाकरण करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, या तो आप हमें लालच मत दो और लालच दिया तो उसको पूरा करो। पहले इन्होंने हमारे को कहा था कि आशा को सिर्फ एक सहारे के लिए खड़ा किया जा रहा है, वो सिर्फ एरिया में रहेगी, मगर आज आशा के ऊपर इतना काम थोप दिया है, डॉट्स वालों को वो देख रही है, लेप्रोसी वालों को वो देख रही है, इम्यूनाइजेशन के लिए वो देख रही है, सीनियर सिटीजन को वो देख रही है, तो आशा का कौन सा काम बचा है जो आशा नहीं देख रही? और फिर भी इस आशा को भारत में जाना नहीं जा रहा, सिर्फ नाम से जाना जा रहा, आशा है आशा है आशा है, आशा का मतलब क्या है? सरकार ये भी जाने कि आशा अपने घर में अपने बच्चों को अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाती, पूरा दिन 24 घंटे की उसकी ड्यूटी है और वो 24 घंटे एरिया में रहकर काम करती है और फिर भी सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही, ऐसा क्यों है? तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि कम से कम हमारा जो कोर एक्टिविटी, वो कहती है कि आप पक्के नहीं किए जाओगे, आप पक्के नहीं किए जाओगे, तो हम ये कहते हैं हमें पक्का मत करो, हमें नहीं चाहिए सरकारी कर्मचारी का वो, मगर कम से कम हमारी जो कोर एक्टिविटी आपकी भाषा में हम बोल रहे हैं हमारी वो 10000 रुपये होनी चाहिए। मतलब आपने ये जंतर मंत्र को ही क्यों चुना है? आप तो स्वास्थ्य मंत्रालय में आते हैं, दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, तो आपने जंतर मंत्र को ही क्यों चुना है? हमने जंतर मंत्र को इसलिए चुना है कि हम शनिवार को केजरीवाल जी के वहाँ पे गए थे, मगर वहाँ से पुलिस वालों ने भी बोल दिया कि यहाँ धारा लगी हुई है, आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। हमने यही कहा कि दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार का हम यही बात कर सकते हैं, यही हम अपनी मांगे रख सकते हैं, मगर उन्होंने कहा यहाँ आप नहीं बैठ सकते, उन्होंने कहा विकास भवन चले जाइए। जब विकास भवन भी हम जा करके बैठे तो वहाँ भी पुलिस वाले आ गए और उन्होंने कहा यहाँ आप नहीं बैठ सकते। तो हमने आखिर में यही चुना कि जब अपने मांगे रखनी है तो यहाँ दिल्ली सरकार के पास भी पहुँचेगी, केंद्र सरकार के पास भी हमारी बातें पहुँचेंगी, तो हमने इसलिए जंतर मंत्र को चुना। यहाँ आगामी योजना आपकी क्या रहेगी इस धरने को लेके? हमारी योजना यही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, चाहे एक महीना लगे या 10 महीने लगे, अगर हमें इस कारण भी कुछ नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम वो भी करके रहेंगे।